दोस्तों, बर्मन ट्रैवल डायरी में आपका स्वागत है। मेरे वीडियो को देखिए और मेरे साथ ट्रैवल एडवेंचर का मजा लीजिए, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए मेरे वीडियोस को और शेयर भी कीजिए, जिससे और भी आपके दोस्त हैं, और अंत में मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप मेरे नए वीडियो को देख सकें। यह गेट भारत और भूटान का बॉर्डर है। भारत वाला साइड जयगांव है और भूटान वाला साइड फुनसुलिंग है। भूटान जाने के लिए आपको फुनसुलिंग से ही परमिशन लेना पड़ता है, और बहुत ही कम खर्चे में आप यहां से भूटान पहुंच सकते हैं। और यहां परमिशन लेने के लिए आपको फोटो और एड्रेस प्रूफ होना जरूरी है। फुनसुलिंग के मगरमच्छ के केंद्र को देख सकते हैं, और इसके अलावा थोड़ा ऊपर चढ़ के एक मॉनेस्ट्री है, उसे भी आप देख सकते हैं। फुनसुलिंग से थिम्पू की दूरी 179 किलोमीटर है, और इसके रास्ते बहुत ही अच्छे हैं, जिसे आप 5-5.5 घंटों में बस या गाड़ी से पूरा कर सकते हैं। भूटान हिमालय की गोद में बसा हुआ एक बहुत ही खूबसूरत देश है, और इसे घूमने के लिए भारत से बहुत से पर्यटक जाते हैं, और ये बहुत ही अच्छा है। जो नहीं गए उसे अवश्य जाएं। थिम्पू शहर में पहाड़ की चोटी के ऊपर एक बुद्ध भगवान की गोल्डन कलर की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, जो थिम्पू शहर के हर जगह से देखी जा सकती है। हम उसी के जर्नी पे हैं, तो चलिए चलते हैं पहाड़ के शिखर पे और इस नज़ारे को मजा लेते हैं। इस पहाड़ की चोटी से जो नज़ारे देखने मिलते हैं बहुत ही खूबसूरत है। बर्फ से भरे हुए पहाड़ के शिखर, और नीचे में पूरा थिम्पू शहर देखते ही बनता है। यही वही बुद्ध की मूर्ति है। ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ की चोटी से जो थिम्पू शहर का नज़ारा है, रियली बहुत ही सुंदर है, बहुत बहुत सुंदर है। जैसा आप देख रहे हैं, धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण मॉनेस्ट्री है, जहाँ जाने के अंदर जाने के लिए केवल वहाँ का नागरिक होना जरूरी है। यहाँ का देख रेख राज वंशों द्वारा होता है।
अब हम थिम्पू जू में आ गए हैं। एक छोटा जू है लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ का राष्ट्रीय एनिमल टाकी है जिसे आप देख रहे हैं। ये यहाँ का राष्ट्रीय जानवर है। एक सुनहरे रंग के हरिनों को जोड़ों को देख सकते हैं। एक खूबसूरत बारहसिंह को देख सकते हैं। ये जो देख रहे हैं ये थिम्पू का क्लॉक टावर है जो कि बस स्टैंड के बहुत ही नज़दीक है और बहुत ही चल पल वाली जगह है। और इसके बगल में होटल वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे। यहाँ पर गाड़ी बहुत स्लो चलती है और हॉर्न देना भी मना है। थिम्पू को घूमा था, अब हम पारो के वे में। ये पारो का आप एयरपोर्ट देख रहे हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। पारो जाने के पहले सड़क मार्ग से आपको पहले ऊपर से एयरपोर्ट का बहुत ही खूबसूरत, जब मैं यहाँ पहुँचा था तो एक प्लेन उड़ान भरने के लिए तैयार थी। मैंने वेट किया और पूरे टेक ऑफ का वीडियो मैंने शूट किया जो कि ऑलरेडी मैं शेयर कर चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वह देख सकते हैं, मैंने इस वीडियो में नहीं डाला उसे। ये पारो में स्थित एक मॉनेस्ट्री के पास हम लोग हैं और ये मॉनेस्ट्री में जाने का रास्ता है जिसे आप घोड़ों के द्वारा या पैदल चढ़ सकते हैं और इसे चढ़ने में करीब करीब 5-6 घंटा लग जाता है। जो समय रहता है वो अवश्य चढ़ते हैं और जैसा आप देखते हैं इसमें झरने भी आपको देखने मिल जाएंगे। चढ़ने के बाद इसकी खूबसूरती से लोग मोहित हो जाते हैं। यही वही मॉनेस्ट्री है। जयगांव आप सिलीगुड़ी से बस या ट्रेन से आ सकते हैं या नॉर्थ बंगाल के किसी भी जगह से जयगांव पहुंच सकते हैं। जैसा मैंने पहले बता दिया है, जयगांव में भी रहने की व्यवस्था है और फुरसलिंग में भी रहने की व्यवस्था है। थिम्पू से आप पारो करीब 1 घंटा 1.5 घंटा में पहुंच सकते हैं जिसकी दूरी है 65 किलोमीटर
और रास्ते भी बहुत अच्छे हैं। अगर आपके पास टाइम है तो पारो में भी नाइट स्टे कीजिए और कुछ दिन थिम्पू में कीजिए, दो दो दिन काफी ठीक रहेगा कम से कम। रास्तों में चट्टान में गणेश की मूर्ति अपने आप बन गई थी, जिसे ड्राइवर साहब ने दिखाया था। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और मुझे सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब किया। थैंक यू।